एवरीवन, बच्चों आप लोगों ने सीलन रेटा संघ पढ़ लिया था। अब उसके आगे जो अगला संघ है वो है टीनोफोरा। ठीक है, तो इसके कैरेक्टर्स आज हम पढ़ेंगे। टीनोफोरा जो एनिमल्स होते हैं, टीनोफोरा संघ में जो एनिमल्स आते हैं उन्हें सामान्यतः हम क्या कहते हैं, सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेली, ठीक है, या कंकाल जेली। तो ये है इसका कॉमन नेम। और ये एनिमल्स ज़्यादातर कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे होते हैं। ये है इसका टीनोफोरा संघ का एक मेंबर, टीनोप्लेना। ठीक है, तो ये और भी बहुत सारे जंतु इसमें आते हैं, प्लूरोब्रेकिया है, टीनोप्लेना है, ये सब इसी संघ के जंतु हैं। सामान्यतः समुद्री होते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेली। ठीक है, इनमें सिमेट्री कैसी पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री क्या होता है ये आप सबको पता है, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और ये एनिमल्स कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विकोरिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है ये मैंने सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब बता दिया था, जिसके भ्रूण में दो लेयर्स पाई जाती हैं, दो लेयर्स की कोशिकाएँ, मतलब कोशिकाओं की दो लेयर पाई जाती हैं, एक एक्टोडर्म और दूसरी एंडोडर्म। तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, द्विकोरिक या डिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद इनका जो शरीर होता है वो ऊतकीय स्तर का होता है, यानी टिश्यू लेवल का होता है। फिर इनके शरीर में क्या पाई जाती है, इनके शरीर में 8 सीलिएटेड पट्टिकाएँ पाई जाती हैं। ये दिख रही हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 उस साइड होंगी, ठीक है, बैक साइड में। तो ये 8 पक्षमाभि पट्टिकाएँ होती हैं जो इनके मूवमेंट में सहायता करती हैं, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह पानी में ये मूव कर सके, तो इसलिए ये प्लेट्स पाई जाती हैं, ठीक है, पट्टिकाएँ। उसके बाद इसका अगला कैरेक्टर है कि इस जैसे ये इस ये एनिमल है, इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि ये जो होते हैं ये जीव लाइट को एमिट करते हैं, मतलब कि प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। देखो आप, ये लग रहा है ये टीनोप्लेना है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें कोई लाइट निकल रही है, ये देखिए ऐसा लग रहा है कोई लाइट निकल रही है। तो इनकी ये मुख्य विशेषता होती है कि ये एनिमल्स, इस संघ में पाए जाने वाले एनिमल्स लाइट को एमिट करते हैं, लाइट निकाल मतलब उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनमें अगला कैरेक्टर है इनका कि इनमें जनन कैसा होता है, लैंगिक प्रकार का होता है, ठीक। और अगला कैरेक्टर है इसका नेक्स्ट कि इसमें निषेचन जो होता है वो कैसा होता है, बाह्य निषेचन होता है, मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट कैसा होता है, जब जायकुट बन जाता है तो डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जायकुट बनने के बाद बहुत सारी इसमें अवस्थाओं से गुजरने के बाद जो होता है पूरा जीव जो होता है वो बनता है, ठीक है। तो इसमें जो डेवलपमेंट हो गया वो कैसा हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसके एग्जांपल्स प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना होते हैं, ठीक है। ये हो गया संघ आपका टीनोफोरा। टीनोफोरा संघ के बाद जो अगला संघ है आपका वो कौन सा है, प्लैटीहेलमिन्थीज, ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थीज संघ के जंतु जो होते हैं वो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं चपटे कृमि, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, क्योंकि ये चपटे होते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है, चपटी होती है, इनकी कोशिकाएं चपटी होती हैं। और ये जो जंतु होते हैं वो अन्य जंतुओं के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं और द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों जो पार्ट्स होते हैं वो एक ही एनिमल में होते हैं। अब परजीवी होते हैं तो ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। परजीवी का काम क्या होता है, दूसरे जंतु के जिसके ऊपर वो डिपेंड है उसमें कोई ना कोई हानि पहुंचाएंगे, तो इसका मतलब ये कैसे होगा, रोग उत्पन्न करने वाले, ठीक है। इसमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो ये टीनिया सोलियम एक एनिमल होता है उसका डायग्राम है, और ये खंडों में ऐसे करके ये बटे होते हैं, देख ला है, एक फीते के आकार के होते हैं, इसलिए ये फीता कृमि, ये चपटे कृमि उन्हें बोला जाता है। तो
जो इनमें सिमेट्री होती है वो कैसी सिमेट्री होती है, बाईलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्वीय सममिति। अब द्विपार्श्वीय सममिति मैंने आपको बताया कि कैसा होता है, द्विपार्श्वीय सममिति मैं आपको बता चुकी हूँ, रेडियल सिमेट्री भी बता चुकी हूँ। और इसमें जो जो ये एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका जो जिस भ्रूण से उत्पन्न हुए हैं उनकी कोशिकाओं में, मतलब उनमें कितने लेयर्स पाई जाएंगी भ्रूण में, उनके 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोग्लिया का स्तर होता है, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मीजोडर्म पाई जाती है, मीजोडर्म की तरह एक लेयर पाई जाती है। और ये एनिमल्स कैसे होते हैं, एसीलोमेट होते हैं, मतलब जिनमें सीलोम नहीं पाई जाती है। ये सारे इसीलिए आपको जो कैरेक्टर्स थे वो पहले ही पढ़ा दिए गए थे कि सिमेट्री क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, सीलोम क्या होती है ना, नोटोकॉर्ड क्या होती है, ये सारा किस किस लेवल के होते हैं, किस सेलुलर लेवल के हैं या फिर मतलब टिश्यू लेवल के हैं, ये सारे आपको टर्मिनोलॉजी पहले ही बता दी गई, जिससे आपको अब यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे हैं उनमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। और इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, अंगीय स्तर का होता है, मतलब इसमें अब टिश्यू डेवलपमेंट होते हैं। अब आपने देखा कि जैसे पॉरीफेरस अंग आपने पढ़ा तो उसमें केवल सेलुलर लेवल की बॉडी थी, ठीक है, इस तरीके उसमें लोअर कैरेक्टर्स थे, डेवलपमेंट की शुरुआत थी, फिर धीरे धीरे संघ जैसे जैसे आगे बढ़े उनमें डेवलपमेंट होता चला गया, कैरेक्टर्स बढ़ते चले गए, ठीक है, और अंग जो है मतलब जो संरचनाएं थी वो बढ़ती चली गई। तो इसकी बात करते हैं कि ये कैसा होता है, फिर चपटेक्रमी कैसे होते हैं, ये इनमें शरीर जो होता है वो इनका अंगीय स्तर का होता है, ठीक है, अंगीय स्तर का शरीर होता है। और परजीवी प्राणियों में जब ये जो होते हैं परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, तो परजीवी के रूप में पाए जाएंगे तो उस परजीवी के शरीर पे रहने के लिए इसको कोई ना कोई संरचना चाहिए होगी, तो उसके लिए जैसे ये दूसरी की बॉडी पर रुके रहें, मतलब उससे चिपक सकें, दूसरे जंतु की बॉडी पे ये चिपक सकें, तो उसके लिए इसमें चूषक या हुक पाए जाते हैं, ठीक है। चूषक का मतलब होता है जिसकी सहायता से ये रुके रहें और उससे उसकी बॉडी से अपना पोषण प्राप्त कर सकें, मतलब अवशोषित कर सकें, चूषक, चूसने वाला मतलब हो, है ना, तो इस तरीके से चूषक पाए जाते हैं इनकी बॉडी पे। फिर उसके बाद इनमें जो इनमें देखिए ये भी इसी का मेंबर है, प्लेटीहेलमिंथीज का, पहला था टीलियम, टीनियासोलियम, टीनिया, और दूसरा है फैसियोला, ठीक है, फैशियोला। तो इनमें जो उत्सर्जन होता है, देखिए जितना पोषण प्राप्त करेगा इंसान, फिर उसके बाद कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनेगा उसके शरीर में, तो उसके लिए इनमें क्या पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। देखिए ये जो आपको छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं ये सारी क्या हैं, फ्लेम सेल्स हैं, ये सारी क्या है, ये फ्लेम सेल्स हैं, ठीक है, ये सारी फ्लेम सेल्स हैं। तो इनकी सहायता से जो एक्स्ट्रा वाटर है या एक्स्ट्रा जो भी वेस्ट मटेरियल बना है इसकी बॉडी में वो उत्सर्जित होता है, किसके द्वारा, ज्वाला कोशिका के द्वारा, और ज्वाला कोशिकाओं को ही इंग्लिश में कहते हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला इसका कैरेक्टर है कि इसमें निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है, निषेचन आंतरिक होता है, यानी मेल और फीमेल गैमिट बॉडी के अंदर ही जो है फर्टिलाइज होते हैं, मतलब फ्यूज होते हैं। और डेवलपमेंट होता है वो भी कैसा होता है, बहुत सारी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, उसके बाद जीव, पूरा जीव जो होता है मैच्योर जीव वो बनता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, आपने पढ़ लिया टीनिया जिसे फीताक्रमी कहते हैं, और दूसरा एग्जांपल क्या है, फैशियोला, इसे पर्णक्रमी कहते हैं क्योंकि ये पत्ती के जैसा दिखता है, दूर से अगर आप इसे देखोगे तो ऐसा लगेगा सूखी पत्ती जैसी हो कोई। तो ये थे इसके दो एग्जांपल। और इससे प्लेटीहेलमिंथीज के जो जंतु होते हैं उन टोटल उनको क्या कहते हैं, चपटेक्रमी, क्योंकि इनका शरीर कैसा होता है, चपटा होता है। देखो आपने टीनिया का अभी देखिए, टीनिया पड़ा, ये भी चपटा है, फीता कैसा होता है, चपटा, फीट, इसका पर्टिकुलर टीनिया का पर्टिकुलर नेम है फीताक्रमी। और वैसे प्लेटीहेलमिंथीज में जितने संघ आते हैं, मतलब जितने मेंबर्स आते हैं, सॉरी मेंबर्स जितने आते हैं उनको बोलते हैं चपटेक्रमी, क्योंकि इनकी सबकी बॉडी कैसी होती है, चपटी होती है। ऐसे ही ये जो फैशियोला है, ये भी अगर आप देखोगे रियल में तो ये कैसा होता है, पत्ती जैसा होता है, जैसे चपटी पत्ती, पत्ती कैसी होती है, चपटी होती है, तो इसीलिए इन्हें चपटेक्रमी बोला जाता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर फैशियोला को
पेशियोला को क्या कहते हैं, पर्णक्रमी। पर्णक्रमी क्योंकि ये कैसा दिखाई देता है, पत्ती जैसा, पर्ण मीन्स पत्ती, पत्ती जैसा दिखाई देता है। तो ये थे इनके कुछ कैरेक्टर्स। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आगे के संघ हैं। थैंक यू सो मच।